स्वप्नाली प्रधान, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेरेस टू टेबल में। आज हम बनाने जा रहे हैं उपवास स्पेशल साबूदाना खीर। आप इसे कभी भी बना सकते हैं, ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। आधा लीटर दूध, एक चौथाई कप साबूदाना जिसे हमने धो लिया है और 2 से 3 घंटे भिगो लिया है, 3 टेबलस्पून शक्कर, थोड़ा सा केसर, आधा टीस्पून इलायची का पाउडर, बादाम और काजू हमने बारीक काट लिए हैं और किशमिश। सबसे पहले हम दूध उबालने के लिए रखेंगे। आप कोई भी दूध ले सकते हैं, फुल फ्लैट या स्कीम, जो भी आपको पसंद हो। ये देखिए दूध में उबाल आ चुका है। अब हम इसमें केसर मिलाएंगे ताकि केसर अपना रंग छोड़े। ये देखिए, और इसे और 2 मिनट तक उबाल लेंगे अच्छे से, और फिर हमें इसमें साबूदाना डालना है। ये देखिए केसर ने कितना अच्छा रंग छोड़ना शुरू कर दिया है। ये देखिए और 2 मिनट हो चुके हैं, दूध में अच्छा उबाल आ चुका है। अब हम इसमें साबूदाना डालेंगे। और इसे हमें कंटिन्यूअसली चलाना है। ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं, हमारा साबूदाना अच्छे से पक रहा है। इसे हम और थोड़ा पकाएंगे और दूध भी गाढ़ा हो रहा है। इसको अच्छे से ऐसे हिलाते हुए हमें पकाना है। ये देखिए, ये देखिए और 2 मिनट हमने इसे अच्छे से उबाला है। हमारा साबूदाना जो है वो पक गया है। हमें कैसे पता चलेगा? ये देखिए एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया है, तो इससे हमें पता चलेगा कि साबूदाना पक गया है। अब हम इसमें शक्कर मिलाएंगे। और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। शक्कर डालने के बाद दूध थोड़ा सा पतला हो सकता है, तो हम इसे थोड़ा चला के गाढ़ा कर देंगे। कंसिस्टेंसी आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। शक्कर भी घुल चुकी है इसमें। अब हम डालेंगे इलायची का पाउडर और कटे हुए बादाम और काजू, और इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। इलायची का पाउडर आप एंड में ही डालिए ताकि उसका स्वाद जो है वो रिटेन हो सके। और अब हमारी खीर तैयार है। हम गैस बंद कर देंगे और इसमें किशमिश डालेंगे। किशमिश थोड़े खट्टे होते हैं, तो हमें इन्हें एकदम एंड में डालना होता है। ये देखिए हमारी खीर बनके तैयार है। ये देखिए कितनी क्रीमी बनी है हमारी खीर, और साबूदाना जो है वो भी एकदम अच्छे से पक चुका है। एकदम ट्रांसपेरेंट हो चुका है हमारा साबूदाना। बहुत ही बढ़िया बनी है खीर। ये देखिए मैं इसे थोड़े से पिस्ते के साथ गार्निश करूँगी। ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। और हमारी साबूदाना खीर तैयार है। ना आसान साबूदाना की खीर बनाना, आपको बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। गैस की आँच एकदम धीमी रखनी है, और हम साबूदाना जब डालेंगे उसके बाद हमें उसे कंटिन्यूसली चलाना है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखिए और इसे ज़रूर बनाइए, और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपकी खीर कैसे बनी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और भी ऐसी रेसिपीज़ के लिए नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।